बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ, ऐसे ही किसी की भी बातों मैं आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमरी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ।